अम्मा और मैं हूँ ऐसे नवान। पीछे कौन बैठा है? पीछे तो देखो ये वो वाला है जो उसमें कमेंट आते हैं, तो ये है पीछे देखो बड़ा, ये है वो प्राण। मैं भी बड़ा हो गया ना, देख लो दाढ़ी चढ़ी आ गई है। सो गाइस आज हम करने वाले हैं ट्रेलर पे रिएक्शन, और ट्रेलर है सारा खान और कार्तिक आर्यन की नई मूवी आ रही है लव आजकल। और जो है ना उसका ट्रेलर, मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा था उसका ट्रेलर का, और वैसे भी सारा खान जो है वो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। सो बबली, सो नेचुरल और सो हम्बल और बहुत ही क्यूट है वो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज गोइंग ऑन? हां चल क्या रहा है तुम्हारे स्टूपिड ब्लरी माइंड में? तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, यू रिफ्यूज टू स्लीप विद मी, और तब से ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो। तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? ये भी मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे? नहीं मतलब, हाँ बताओ मतलब, क्यों पीछा कर रहे हो तुम मेरा? मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें, तुम मेरा पीछा मत करो। नहीं तो फिर गलत हो जा तू ही, आ जा करे गलती नहीं। नीना मैं बहुत सीरियस हूँ आपके बारे में, जीवन के आखिरी दिन तक रहूंगा आपके साथ। बातें तो फोन पे भी हो सकती थी ना। चलो अभी भाग चलते, हटो यहाँ से। जिस मोमेंट तुम्हें लगे मैं तंग कर रहा हूँ मैं चला जाऊंगा। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा करियर है। What happened? सिर्फ एक इंसान के साथ रहना, उसी के लिए वो वाली फीलिंग लाना नेचुरल थोड़ी है। What? दिल में जो आए, आज हो जाए, दिल में जो आए। क्या सोच कर आए थे? ये कोई रण है? ये? शब्द क्या निकला मुंह से? मादर। लगा है बड़ी जगह है, do it with a twist. Would you like to break dance? Dance? एक चीज जो तुम्हें मालूम है तुम कभी नहीं करोगे, एक दिन तुम कर भी देते हो, जस्ट लाइक दैट। छुपी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया ज़ोई? तुम मुझे तंग करने लगे हो, ये कभी तुम्हारे और करियर के बीच में बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप किसी के साथ भी कर लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मुझे फुल ज़ोई चाहिए, अंदर वाली, बाहर वाली, करियर वाली, फैमिली वाली, फुल। आना तो पूरी तरह आना है तो आने। कितनी वो दिखाया कि यार पहले पुराना दौर था उसके अंदर दो अच्छा, साल दोनों दौर में लड़कियां कितनी वल्नरेबल है, वो कितनी ब्लंट है ना। हाँ। लाइक वो कितनी वो कह रही है मैंने तुम्हें मना किया है। मतलब वाओ अमेजिंग। और वो कितना लड़का और कितना वो दिखाया है दोनों में, 90s में भी और अभी में भी दोनों सेम है। हां और वो लड़का दिखाया कि कितना वो अच्छा है ना और कितना ऑनेस्ट एंड लॉयल है। मतलब वाकई लालच दिया फिर ये चुप करके यहाँ पे बैठा है। सो गाइस आप बताइएगा कि लड़कियाँ ज्यादा लॉयल होती हैं या लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं? मेरी नजर में तो जैसा मैं वैसे ही कहूँगा, I am loyal. तो मैं
मुझे तो ये चलो बीच में बहसन को पूछ लेते हैं, बताओ लड़के लड़कियाँ आपके साथ अच्छी होती है, ईमानदार होती है। चलो शुक्र, मैंने कहा ये ना बाद में क्या हो, मुझे तो नहीं पता। के साथ जो है आपने जरूर बताना कमेंट में कि लड़कियां लॉयल होती हैं या लड़के लॉयल होते हैं। और देखते रहिएगा फंडामेंटल से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा। और देखते रहिएगा फंडामेंटल।